आज दिल्ली में बनशे एनडीए की संसदीय दल की बैठक। बैठक में नरेन्द्र मोदी ने संसदीय दल नेता तरीके पसंद कराशे। सवारे 11 कलाके संसद सेंट्रल हॉल में आ बैठक योजाशे। अजय यादव संवाददाता दिल्ली थी फोन लाइन पर। जी अजय, आज एनडीए की बैठक मिलने वाली है, क्या है ज्यादा जानकारी, कौन कौन उपस्थित रहेंगे? तो पे काफी महत्वपूर्ण बैठक है। एनडीए के जितने भी सांसद हैं सबको यहाँ पे बुलाया गया है सेंट्रल हॉल में, और यहाँ मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन जाएगा और अपना जो मेजोरिटी का जो लेटर है वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब संसदीय दल का नेता चुना जाएगा तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक संबोधन भी होगा, और कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल हैं उनको एकमुश्त रखने और आगे की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। लेकिन आज कई सारी गतिविधियां हैं जिसमें पहला यही माना जा रहा है कि सेंट्रल हॉल में जो संसदीय दल की बैठक होगी उसके बाद जेपी नड्डा ने जो भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया है, उनके पदाधिकारियों को बुलाया हुआ है और खास करके एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, यहां तक कि कई सारे जो मंत्री हैं वो हार गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो स्टेट है वो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर से ये पूछा जाएगा कि आखिर इस सबकी हार का वजह क्या है। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए डेलीगेशन के साथ जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल बैठाया जाए, उनकी जो डिमांड है किस तरह से फुलफिल किया जाए। एक एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, जैसे पीयूष गोयल को चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उनको नीतीश कुमार की पार्टी से डील करने के लिए अपॉइंट किया गया है ताकि जो उनकी उनकी आपत्तियां हैं या उनकी जो चाहते हैं उसको पूरा किया जा सके। लेकिन फिलहाल सबका फोकस जो सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है उस पर है। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया।